तत्काल संदेश की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निवेदिता चलती हूं आज की बड़ी खबर की ओर। सागर में शादी के दो दिन बाद भागी दुल्हन, दलालों को 1,00,000 रुपए देकर महाराष्ट्र की लड़की से रानगिर मंदिर में शादी की, गहने लेकर भागी। सागर के सुर्खी थाना क्षेत्र में शादी के दो दिन बाद दुल्हन गहने और नगद रुपए लेकर भाग गई। दुल्हन ने सुर्खी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दूल्हे के छोटे भाई मयंक जैन निवासी सुर्खी ने बताया कि बड़े भाई दीपक जैन की शादी नहीं हुई थी, शादी के लिए लड़की देख रहे थे। इसी दौरान गांव में ही रहने वाले चंद्राज ठाकुर ने लड़की होने और शादी कराने की बात कही। उसकी बातों में आकर 21 जनवरी को मड़खेड़ा लड़की देखने के लिए गए, जहां लड़की पसंद आ गई। लड़की का नाम बिंदिया, पुत्री राजेश लोधी निवासी गोदले महाराष्ट्र बताया। शादी कराने के नाम पर धीरज लोधी, राजू यादव व अन्य ने 1,50,000 रुपए खर्चा लिया। मंदिर से की शादी, घर से दुल्हन भागी। शादी तय होने के बाद 22 जनवरी की दोपहर 2 बजे रानगिर माता मंदिर पहुंचे, जहां भाई दीपक और दुल्हन बिदिया की रीति रिवाज से शादी कराई। शादी के बाद घर आ गए। 24 जनवरी को मानहाने गई और घर के अन्य सदस्य अपने काम में व्यस्त थे, तभी बिदिया गहने और 5,000 रुपए नगद लेकर चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही तलाश किया लेकिन मिली नहीं। धोखाधड़ी होने के संदेह में सुर्खी थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुर्खी थाना प्रभारी रामू प्रजापति ने बताया कि दुल्हन के घर से चले जाने की शिकायत मिली है, गहने और नगद रुपए ले गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। और नई खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले न्यूज पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।